Hi everyone, so this is Asher Hunzai. So aaj mera quarantine hai. Quarantine mein main discuss karunga ki what men do not want. Ladkon ko kya cheeze nahi pasand, theek hai? Dekho, most of the time bahut sari cheeze aisi hoti hain ladkiyon ki, aap keh sakte ho ki girlfriends ki ya unke wives ki, jo ki unke jo husbands hote hain ya unke boyfriends hote hain unko bahut zyada irritate karti hain. Aaj main unke hawale se discuss karunga ki aisi kaun si cheeze hain jo aapke husbands ko ya jo aapke boyfriends ko irritate kar rahi hoti hain. Sabse pehli cheez, screenshots. ladkiyon ki jo aadat hoti hai na, wo log pata hai kya karte hain, wo log karte hain ki agar koi baat ho jati hai, suppose koi husband unse koi mazak mein koi jhoot bol deta hai ya kuch bhi hota hai, to uska screenshot nikal ke apne paas save karke rakh leti hain chat ka. तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी ऐसी कोई बात होती है तो हस्बैंड अगर एग्री नहीं कर रहा इस चीज़ पे, तो उनको उसको स्क्रीनशॉट निकाल के दिखाएंगे, ये देखो ये तुमने यही बोला था, ठीक है मैं झूठ नहीं बोली, या कोई भी कुछ भी हो सकता. तो ये इन चीज़ों को अवॉइड करें. देखो रिश्ते में क्या करना चाहिए, आप लोगों को कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं. अगर कोई ऐसी वैलिड कोई चीज़ होती तो आप कह सकते हो कि हाँ ऐसा है, लेकिन छोटी छोटी बात पर आपने स्क्रीन शॉट निकाल के दिखाना लड़कियों को, बहुत ज़्यादा लड़कों को ये चीज़ बुरी लगती है, ठीक है. दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि लड़कियों की जो आदत पता है क्या होती है, वो करते ये हैं कि चीजें जो है ना, अगर कोई बात बुरी लगती है अपने हस्बैंड की, अपने बॉयफ्रेंड की, तो उसको दिल में रखते हैं. और जब कभी ऐसी कोई अनबन हो जाती है तो उस टाइम बता देते हैं कि यार तुमने उस साल उस डेट को उतने बजे ये बात तुमने मुझे बोली थी और वो मेरे दिल पर लगी थी. वो आप यहाँ पर उसको स्टोर करके रखते हो उस चीज़ को, और उस बात पे ना हर टाइम मतलब दिल खराब करते हो अपने पार्टनर के लिए हमेशा. तो आप ये चीज़ इग्नोर करो. अगर आपने खुश रहना है, अगर आपने अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको इस चीज़ को ख़त्म कर देना होगा. आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करो कि जो चीज़ आपको जिस टाइम पे बुरी लगी है एग्जैक्टली उसी टाइम पर बता दो, उसको बता दो कि आपने ये चीज़ क्यों कही, ये चीज़ मुझे बुरी लगी. अगर उसने जानबूझ के ऐसी चीज़ आपको बोली है तो वो आपको सॉरी बोलेगा, या उसको एक्सेप्ट, वो कहेगा कि मेरा ये मतलब नहीं था, या आपको क्लेरिफिकेशन देगा. मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि इंटेंशन लड़कों की ऐसी होती नहीं है, लेकिन लड़कियां अज्यूम बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं, ठीक है. तो लड़कियों के लिए ये है कि आप अजम्पशन करना छोड़ दें. अज्यूम करना लड़कों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इस चीज़ को भी आपने बिल्कुल अवॉइड करना है. अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हर चीज़ शेयर करो अपने अपने पार्टनर के साथ, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे कुछ भी हो. मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां चीज़ें छुपाती हैं और कहती हैं कि आपको बुरा लगता इसलिए मैंने आपसे ये चीज़ छुपाई. देखो किसी और से वो चीज़ उसको पता चलने से अच्छा नहीं कि वो चीज़ आप खुद उसको बता दो. या लड़कियों में आदत होती है कि वो कभी ना कभी उस चीज़ को बता देती कि ऐसा था. टाइम पर नहीं बताएंगे लेकिन बहुत अरसे बाद बता देंगी. इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है. और पाँचवीं चीज़, एजम्पशन. लड़कियाँ एजम्पशन करती हैं, बहुत ज़्यादा बुरी बात है. अज्यूम ना करें. आपको जो चीज़ समझ नहीं आई ऑन द स्पॉट पूछें कि क्या इसका मतलब ये तो नहीं था. अगर वो आप क्लेरिफिकेशन देता तो ठीक है, भूल जाओ. अगर वो क्लेरिफिकेशन नहीं देता तो आपको बताएगा कि उसका मतलब क्या था, लेकिन अपने तरफ से अज्यूम करोगे तो अपने आप को अजियत दोगे, और ये चीज़ लड़कों को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप लोग इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करोगे और उनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करोगे तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा. आपका कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें. नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक लगा हुआ है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. आई लव यू ऑल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.